देखो इस क्वेश्चन में मैं क्या गिवन है कि जो ए है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days, मतलब ए किसी वर्क को 20 days में खत्म कर देता है, और उसके साथ जो बी है, बी कंप्लीट द सेम वर्क इन 25 days. आगे पढ़ने से पहले हम इसी को सॉल्व करके टोटल वर्क यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं. इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 100 days. कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? जो बड़ा नंबर है उसके मल्टीपल बोलना शुरू करो, और जिससे 20 डिवाइड हो जाए उसका एलसीएम हो जाएगा. जैसे 50/20, 75/20 नहीं कटेगा, लेकिन 100/20 कट जाएगा. 20 × 5 100 दे देगा, 25 × 4 100 दे देगा. ये इनकी क्या हो जाएगी? एफिशिएंसी, मतलब 5 units एक दिन में, 5 units कर रहा है एक दिन में, 4 units कर रहा है. इसके बाद गिवन है कि बोथ वर्क फॉर 10 days. चलो अगर ये लोग साथ में काम करते हैं एक दिन के लिए, तो 9 units का वर्क होगा साथ में, ठीक है. अगर एक दिन में ये लोग 9 units कर रहे हैं, तो 10 days में ये लोग कितना खत्म कर देंगे? ऑब्वियसली 90 units 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 90 units खत्म हो जाएगा. रिमेनिंग वर्क देखो कितना आ जाएगा. टोटल वर्क 100 units था, टोटल वर्क 100 units है, उसमें से 90 units तो हो चुका है, तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा? 10 units हो जाएगा. अब गिवन क्या है? सी अलोन कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 10 days. फॉर्मूला लगा दो, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम. वर्क बचा कितना है? सिर्फ 10 units का. हमें सी की एफिशिएंसी नहीं पता है, लेकिन वो समय कितना ले रहा है इसको खत्म करने में? 10 दिन. तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1 unit की. अब ये बोला गया हाउ मेनी डेज विल ए बी सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क. अच्छा, ए बी सी अगर साथ में काम करेंगे, तो ए और बी और सी की एफिशिएंसी हमें साथ में कैलकुलेट करनी पड़ेगी. ए और बी की तो पहले ही हमें पता थी, 9 यहाँ से लिख ली थी, और इसकी कितनी हो गई? सी की 1. तो टोटल कितनी आ गई? 10 units की एफिशिएंसी आ गई. सॉल्व कर लेते हैं. वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये फॉर्मूला आ गया. वर्क टोटल कितना है? 100 units का. एफिशिएंसी कितनी है? 10 units की इनटू टाइम. कैंसिल आउट करोगे तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 days. मतलब अगर ये तीनों साथ में काम करेंगे, तो इनको 10 दिन का समय लग जाएगा इस वर्क को कंप्लीट करने में.